मंत्रीशील सभी नेतागण, माननीय बी एल वर्मा जी, मेरे सामने बहुत बड़ी संख्या में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी और माननीय कल्याण सिंह से जिनको स्नेह है वो सब यहाँ पर उपस्थित है, मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ और ये आशा करता हूँ उनके बारे में बहुत बड़ी पुस्तक तैयार हो सकती है जो उन्होंने काम किए हैं। भाइयों और बहनों, मैंने कल्याण सिंह के साथ ठीक एक महीना साथ रहते हुए गुजारा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक संघ शिक्षा वर्ग होता है, उसमें मैं और कल्याण सिंह जी साथ साथ थे, एक साथ निवास, एक साथ भोजन, एक साथ मनोविनोद, वो बड़े विनोद प्रिय थे, हम लोग ऐसे साथ रहे हैं। वो भी शुरू में अध्यापक थे और मैं भी अध्यापक था, मैं सहिष्णु में था। कल्याण सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री बने तो स्वास्थ्य मंत्री जब बने तो जनपद बदायूं का उनका दौरा था, मैं सहिष्णु की प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने टेलीफोन पर उनसे कहा था कि आप बदायूं जाएंगे, सहिष्णु होते हुए जाएंगे, सहिष्णु में आए, मैं क्लास ले रहा था, वो बाहर खड़े हो गए क्योंकि वो भी अध्यापक रहे थे और मैं तो अध्यापक ही रहा, तो वो जानते थे। मैंने उनको इशारा किया कि दो मिनट में आ रहा हूं, दो मिनट में मेरा क्लास पूरा हुआ और मैं उनके पास पहुंचा। बोले कि जल्दी है, जल्दी जाऊंगा, तुमको मैं बस मिलने को चला आया हूं और बातें सब बाद में होगी। तो ये संस्मरण मैंने आपको सुनाया, ऐसे एक नहीं अनेक संस्मरण है, क्योंकि वो ऐसे महापुरुष थे कि छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े, नाराज भी हो जाते थे और खुश भी बहुत जल्दी हो जाते थे। मैं जब विधायक था तो एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। एक जगह पर दावत थी, उस दावत में मुझे बुलाया गया, मैं वहां पहुंचा। वहां पर किसी ने कल्याण सिंह जी के कान भर दिए और कहा कि बाबूजी आपके विरोध में आज जो ब्राह्मण समाज के विधायक है वो सब इकट्ठे हुए हैं। मैं गया शाम को उनके पास, कुछ जनता के काम थे, तो जो एप्लीकेशन मैंने दी वो बाई तरफ डालते रहे और उन पर कुछ भी काम नहीं हुआ। दूसरे दिन मैं बिना एप्लीकेशन के पहुंचा और मैंने उनसे कहा कि बाबू जी आपको ऐसा मुझे लगता है आप नाराज, तो बोले हाँ, बोले कि ऐसे ऐसे कहा आप गए थे। मैंने कहा गया था, क्या हुआ, मैंने वो भी बताया। कोई मेरे विरोध की बात हुई, मैंने कहा कोई नहीं हुई। बोले अच्छा कुछ लाए हो, मैंने कहा मैं तो लाया नहीं, कल आपने मेरी एप्लीकेशन अलग कर दी थी, तो बोले ले आना।
दूसरे दिन मैं फिर गया तो मैंने बताया बज्रा तपि कठोरानी मृदुनी कुसुमा तपि, इसका मतलब ये है कि वज्र से भी कठोर थे और फूलों से भी अधिक कोमल थे। उनके विषय में एक नहीं बहुत सी बातें हैं, क्योंकि एक महीना तो हम उनके साथ रहे, साथ में प्रशिक्षण लिया और उसके बाद जब मैं विधायक बना मेरी टिकट में भी उनका सहयोग रहा। तो बंधुओं, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे साथी, हमारे बहुत ही प्रिय श्री बीएल वर्मा, एक इनके साथ ही मुझे दृष्टांत याद आ गया, अगर आप कहें तो कह दूं। भाइयों बहनों, जब मैं विधायक था तो उस समय पर मुझ पर गाड़ी भी नहीं थी, किराए की गाड़ी ले रखी थी, वो भी पंचर हो गई थी, और लोधी समाज के जो गांव है उनमें इनके साथ जाना था, तो इनके पास भी ये गाड़ी थी मारुति 800, कोई ड्राइवर नहीं था, यही ड्राइवर थे इनके साथ में। इनकी गाड़ी में ऊंची नीची गड्ढों में निकलते हुए ये कुशल ड्राइवर भी है, ये मैंने उसी दिन पहचान लिया था। तो गाड़ी भी बहुत बढ़िया तरीके से चलाई और पार्टी का भी बहुत अच्छा काम किया। नतीजा ये है कि आज केंद्र में मंत्री है। तो भाइयों, मैं वो बात कहने जा रहा हूं, ये मेरे पास आए बोले कि भाई बाबूजी से मिलना है, और मैं कहा बाबूजी से चलिए मिलते हैं। इन्होंने कहा कि आप मेरे बारे में कहना, मैं तो बैठा रहूंगा, कहूंगा कुछ नहीं। मैंने बात शुरू की, मैंने कहा बाबूजी, ये वर्मा जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, समाज सेवी है, लेकिन बदायूं जनपद ऐसा है कि यहाँ पर लोधी समाज हर विधानसभा में है लेकिन कोई लोधी समाज का व्यक्ति का मंत्री बनना, वो विधायक बनना मुश्किल है, तो इनको कुछ बनाइए। तो उन्होंने कहा अरे भाई थोड़े दिन धैर्य रखो, और धैर्य रखोगे तो फल मीठा मिलेगा। ये कुछ हतोत्साहित होते हुए उनके दरबार से निकल करके आ गए हम, और ये मेरे पास ही रुके हुए थे। तो अपनी मृत्यु के करीब उन्होंने सोचा, और इन्होंने भी उनके हक में जितनी निष्ठा जितना लगाव से काम किया वो हर कोई नहीं कर सकता। उसका परिणाम हुआ कि आज जनपद बदायूं में बहुत से एमपी हुए लेकिन कोई मंत्री नहीं बना बाबूजी की कृपा से, और आप सबके स्नेह से आज केंद्रीय मंत्री हैं। ये वास्तव में अगर ये इसका श्रेय किसी को जाता है तो बीएल वर्मा की जो निष्ठा है उस निष्ठा को जाता है। और बाबूजी ने भी करके दिखाया
कि जो कह रहा है हृदय से, स्नेह रखने वाला, सम्मान करने वाला कोई व्यक्ति है तो सारे लोली समाज में और भी बहुत से लोग रहे होंगे, बल्कि अपने घर में भी वो ठीक है, कोई एमपी भी है, कोई एमएलए भी है, लेकिन जो इसने उनको भी छोटा करके बड़ा बना मान करके और पीएल वर्मा को इस स्थान पर पहुंचाया, उनके बारे में बहुत दुख मेरे साथी रहे, मुझे बहुत कुछ बातें याद है, लेकिन समय कम है। मैं आप सबको ये निवेदन करता हूँ कि कल्याण सिंह जी के जन्म दिवस पर हमेशा ऐसे ही कार्यक्रम हर जगह पर होने चाहिए। तो कोई उद्यानी के विधायक या मंत्री नहीं थे, वो वास्तव में पूरे देश में हिंदुत्व की पताका फहराने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो बंधुओं